पॉजिटिव ऑटो सजेशन के साथ, नेगेटिव नेगेटिव नहीं, लाइफ मरते दम तक फाइट है, कभी सुकून से नहीं बैठेंगे। सुकून से सोना है तो यहाँ से सीधे जाना, लेफ्ट टर्न करना, फिर एक चौराहा आता है वहां से राइट टर्न मारना, वहां सब लोग आराम से सोते रहते हैं। मैं निकलता हूँ वहां से तब एकदम रिलैक्स, उसको कब्रिस्तान बोलते हैं। जब तक जिंदा है तब तक फाइट मारनी है। 85 साल का रतन टाटा फाइट मारता है, 90 साल का वॉरेन बफेट फाइट मारता है, अमिताभ बच्चन फाइट मारता है, प्रेरक त्रिवेदी फाइट मारता है। जो फाइट मारेगा वो जिंदा रहेगा। जिस दिन तुम्हारी लाइफ का कार्डियोग्राम ऐसा हो गया, तुम गए काम से। जब तक तुम्हारी लाइफ का कार्डियोग्राम ऐसा चल रहा है, तुम जिंदा हो। दिल खत्म, और अभी 18 साल की उम्र है यार, क्या है साला। दिल टूटे कहना कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, इस बार दिमाग और दिल से करेंगे, बस क्या है। सब प्लान से हो जाता है, चिंता नहीं करना। जीवन में दुर्घटना हो रही है तो वो बहुत सही दुर्घटना हो रही है, जिससे तुम आगे बढ़ रहे हो, बेहतर बन रहे हो। मेरी दुर्घटना नहीं होती तो मैं तुमको टीचर मिलता ही नहीं कभी। हाँ, मैं तो MBA करा, इंजीनियरिंग करा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था, अपन तो बेहतरीन थे यार। तुम मुझसे दुर्घटना हुई और अपन टीचर बन गए। तो लाइफ में जितने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं तुम्हारे, दे आर ऑल देयर टू मेक यू बेटर। चाहे दिल टूट रहा है, चाहे धंधे में नुकसान हो रहा है, या फिर तुम एग्जाम में फेल हो रहे हो, हर चीज तुमको बेहतर बना रही है, जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए रोज सुबह बोलना है, वोट डालेंगे बाबा, हो जाए कुछ भी, अपने को पता है वो अपने को बेहतर बना रहा है, कुछ भी हो जाए। 90 पे जब कोई क्रिकेटर आ जाता है, आजू बाजू के लोग को डरा देते, 90 संभल के खेलना, 90 बड़े बड़े ऐसे लिखे स्कोर पे, 90 ओ 90। तुम उसको नी टच करते ना, वो 290 पे पहुंचता। वो तुम गूगल पे सर्च करना, नर्वस 90। मेजॉरिटी क्रिकेटर नर्वस 90 के शिकार होते हैं। ये साइकोलॉजिकल गेम होता है। अगर उसको कोई नहीं बताए कि तू 90 पे खेल रहा है, वो 190 मार जाएगा, क्योंकि फ्लो में आ गया है वो। उसको बॉलर, पिच, मौसम, ऑडियंस, अपना स्टाइल, एकदम पीक परफॉर्मेंस पर चल रहा है। लोग उसको एहसास दिला देते कि ये भैया संभल के खेलना रे भैया, तू आउट होने वाला है ना, 90 पे। अच्छा 90 पे हो, अरे बाप रे, अभी कहीं आउट नहीं हो जाऊं रे, अरे भगवान। बस ऐसे ही लोग तुमको डराते हैं, तुमको ऐसे ही बिठा दे कि जा रे बेटा उधर गुजराती कॉलेज है, वहां से घूमते हुए ना, चार पेपर है जरा देते हुए आ। तो चार पेपर है आज, एक दिन छोड़ गई है, एग्जाम नहीं हो रही है, अभी चेक कर रहे हैं, देखे यार ट्रायल ट्रायल ऐसा मारो, तुम फोट डालो। पर तुमको बता दे कि आज तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, इसी के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, अब यहाँ कोई गलती नहीं कर सकते, आज नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, खूब संघर्ष करो, फोट डालो, कम ऑन, दही शक्कर भी खा के जाना, ऐसे नहीं पैर नहीं छुए दादी के, दादी के पैर छूके जाना, दादा बेटा अब छुरा गया, नर्वस 90। तुमने वही करा जो क्रिकेटर को सचिन तेंदुलकर आता था, 100 सेंचुरी मारने में क्रिकेट का भगवान बेचारा दुखी हो गया। बोले यार मेरे को 100 सेंचुरी मारने में इतना टाइम लगा, बाकी मैं खेल खेल में गया। फिर बोला सचिन तेंदुलकर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में, अपने इंटरव्यूज में, उसने बोला मेरे साथ प्रॉब्लम ही हो गई, मेरे को लोग बोलने लगे कब 100वां शतक मारोगे, मैं तो मस्ती में खेल रहा था आज तक, ये साला 100वां शतक का लफड़ा कहां से आ गया। किसी ने याद दिला दिया 98 शतक मार दिए तुमने, अब सचिन बाबा गए कहां से। क्रिकेट का भगवान बोलता है अपने मुंह से, मेरे को कॉन्शियस कर दिया ये पब्लिक ने, ऑडियंस ने, मैसेज कर करके पूछ रहे कब 100वां शतक मारोगे। मैं नेचुरल गेम खेल ही नहीं पा रहा अपना, खेल यार बेटा तेरा नेचुरल गेम, तू अद्भुत है, भरोसा रख खुद के ऊपर यार।